माइक पे बोल देने का बेटा मेरे को ध्यान नहीं रहा ऐसे मैसेज करोगे तो नहीं ध्यान रहेगा रिकॉर्ड करना ठीक है ओके okay, सो so हम हो गया श्रावणी तक साहिल प्रीति प्राची माधवी केवल दिशा आस्था आस्था आस्था, आस्था न्यू है बेटा आस्था यस yes, ओके okay. बेटा कौन से लेक्चर से बैठे हो मतलब मेरे फर्स्ट लेक्चर से बैठे हो सर फर्स्ट लेक्चर से ओके बेटा ठीक है आस्था है आशीष अमन आदित्य ठीक है बाकी सब ठीक है चलो अभी हम लोग आए थे आ, रोटेशनल डायनामिक्स के ऊपर जहां पर हमने सर्कुलर मोशन खत्म किया है आप सबको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चला होगा किसी ने किसी ने फॉर्मूला बाय हट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बता सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर यूनिट बता सकते हो केजी मीटर स्क्वायर के केजी मीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर कभी भी कोई भी कोई फॉर्मूला होगा ना उसका हमेशा यूनिट होता है तो आप सिर्फ फॉर्मूला लिखोगे और जब उसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको उसकी वैल्यू निकालने के बाद हमेशा यूनिट डालना है बहुत रेयर फॉर्मूलेज ऐसे है जिसके यूनिट नहीं होते तो छोड़ देने का पर इसका है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का के जी मीटर ओके नाउ अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शियल मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम

मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मुले में हमें एंगुलर मोमेंटम ढूंढना है तो हमारा टास्क अलग है थोड़ा हमारा टास्क है कि हम लोग एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्म में फॉर्मुला में ढूंढ रहे हैं उससे हमें बहुत कुछ पता चलेगा ध्यान देना इससे बहुत कुछ पता चलेगा मैं इससे इसके थ्रू एक एग्जाम्पल भी लेने वाला हूँ चलो स्टार्ट करते हैं द क्वांटिटी इन रोटेशनल डायनामिक्स एनालॉगस टू लीनियर मोमेंटम इज एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब या तो उसे एंगुलर मोमेंटम वर्ड लेते हैं या तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं इट इज सिमिलर टू अ टॉर्क बीइंग मोमेंट ऑफ फोर्स ये कैसा है टॉर्क जैसा है मतलब इसको टॉर्क से जोड़ना मत फोर्स का अगर हम दूसरा नाम देते हैं एंगल में तो वो टॉर्क होता है बट टॉर्क का एक्चुअली दूसरा एक नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स ऐसे बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट टॉर्क तो वैसे मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज नथिंग बट एंगुलर मोमेंटम ऐसा नाम है ठीक है कंफ्यूजन नहीं है ना इसमें no, sir. हाँ no, sir. हाँ, तो सुनो लीनियर मोमेंटम एक लीनियर क्वांटिटी है और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंगुलर क्वांटिटी है ठीक तो है तो फोर्स लीनियर क्वांटिटी है मोमेंट ऑफ फोर्स एंगुलर क्वांटिटी है उस मोमेंट ऑफ फोर्स को हम बाद में बोलते हैं टॉर्क ऐसे इफ पी इज अंस्टेंटेनियस लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल अंडरटेकिंग अ सर्कुलर मोशन इट्स

और एंगुलर मोमेंटम जो है वो r बार क्रॉस p बार है r बार क्रॉस p बार r बार क्रॉस p बार मतलब r बार क्रॉस mv बार ऐसा होता है ठीक है अगर इसको मैं स्केलर फॉर्म में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा l mv r ये स्केलर फॉर्म में होगा और अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में ठीक-ठाक लिखना है तो इसका मैं दूसरा एक तरीका लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में बट कैसे ये वेक्टर रहेगा ये बट इधर मैं स्केलर में लिख रहा हूं और वो क्या होता है आर पी साइन थीटा ऐसे इट इज जस्ट लाइक पी बारोस्यू बार उसको आप कैसे लिखते हो पी क्यू साइन ऐसे लिखते हो ना बिल्कुल वैसे मैंने इसका लिखा है आर बार क्रॉस पी बार इज आर पी साइन थीटा विच इज इक्वल टू एल बार तो ये स्केलर वेक्टर का मिक्सचर हो गया तो ये पूरा स्केलर हुआ ठीक है और ये पूरा वेक्टर हुआ ये वाला पूरा वेक्टर फॉर्म में जिसमें एल बार भी वैक्टर है आर बार और क्रॉस एम इन वी बार भी वैक्टर है ओके okay. तो ये ये एंगुलर मोमेंटम का हो गया L equal to MVR. ये हमारा सिंपल है बस इधर खत्म हो रहा है तो फिर आगे क्यों ढूंढना है मैं बताया आपको जैसे आगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूले को मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में ढूंढ रहे तो वो अभी वो डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो चलो शुरुआत करते हैं फिगर कौन सा लेंगे जो पहले लिया था वही वन पॉइंट वन टू In the section 1.5 shown the rigid object rotating with a constant angular speed omega मैं आपको draw करके दिखा देता हूँ ये कोई तो एक irregular shape body है इसके बीच में से एक pass हो रही है ऐसे दिखा रहा हूं axis ये ऐसे दिखा रहा हूं मतलब आपको समझेगा की बॉडी ऐसी है hai नीचे है यहाँ पर जो jo axis हो रही है with angular वेलोसिटी एंगुलर स्पीड ओमेगा से ठीक है ये पॉइंट ओ है यहाँ कोई तो एक पॉइंट है यहाँ दूसरा पॉइंट है यहाँ तीसरा पॉइंट है तो मैं तीनों पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट का मास जो होता है वो m1 इधर लिख रहा हूं m2 यहाँ लिख रहा हूं m3 m4 m5 अप टू तो mn तो इसको मैं mn लिख रहा हूं mn ठीक है ये मेरा लास्ट पार्टिकल हो गया हर एक पार्टिकल्स का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस है r1 ये वाला ये है r2 और r3 r4 करते-करते ये होगा मेरा rn ठीक है ये डिस्टेंस आपको समझाइए r1 है ये r2 है मेरा और ये मेरा आर एन है ओके जब पूरी बॉडी रोटेट होगी विथ कॉन्स्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ तो हर एक पार्टिकल जो है बॉडी के वो क्या करेंगे सर्कुलर मोशन कवर अप करेंगे हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कवर अप करेंगे ठीक है नाउ हर एक पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन करेंगे तो हर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी तो देखो यहाँ पर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी आ जाएगी यहाँ पर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी यहाँ पर एक पार्टिकल्स की वेलोसिटी होगी ये पार्टिकल की वेलोसिटी होगी v1, इसकी होगी v2, इसकी होगी vn। सबकी एंगुलर स्पीड से में, बट सबकी लीनियर स्पीड अलग अलग है समझ पा रही हो उस चीजों को so, हाँ क्योंकि कोई पार्टिकल थोड़ा नजदीक है पहला पार्टिकल m1 नजदीक है उसका डिस्टेंस r1 छोटा है तो वो कम स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा कोई पार्टिकल बहुत दूर है लाइक एम एन उसका डिस्टेंस भी बहुत बड़ा है आर एन तो वो घूमने के लिए ज्यादा स्पीड से घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी वी एन ज्यादा होगी इस तरीके से चलो यहां तक हमने फ्रेमवर्क कर लिया अभी ये डेरिवेशन किससे मैच हो रहा है आ, रोटेटिंग कैनेटिक एनर्जी से यहां तक का सब कुछ रोटेटिंग कैनेटिक एनर्जी का है सिर्फ रोटेटिंग कैनेटिक एनर्जी के, के केस में हम क्या कर रहे थे हर एक पार्टिकल्स की कैनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे दैट इज यहां हम क्या करने वाले हर एक पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम निकालेंगे दैट इज एम इंटू वी बस यहां से हमारा डेरिवेशन टर्न लेगा चलो रीड करना स्टार्ट करते फिगर 1.12 इन द सेक्शन 1.5 जो मैंने ड्रॉ कर लिया है शोज अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोटेटिंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर एक्सिस प्लेन ऑफ द पेपर पे है यानी आपके स्क्रीन से परपेंडिकुलर है

ओके, तक का हमारा केस हो गया अभी पहला पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी वी है, उसका डायरेक्शन ऑफ इंडिविजुअलिटी वी वन वी टू वी थ्री एक्सेट्रा आर अलॉन्ग देंजेंशियल टू द रिस्पेक्टिव ट्रैक ये क्या कहना चाहते है कि हर एक की वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग अलग है हमें डायग्राम में भी दिख रहा है टू सबका डायरेक्शन अलग अलग है और ये किसके बराबर है ये उस सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंट के बराबर होता है सो लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मैग्नीट्यूड मैगनीट्यूडल तो पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम क्या होगा पी वन इक्वल टू एम वन वी वन दूसरे का पी टू इक्वल टू एम टू वी टू तीसरे का चौथे का लास्ट वाले का पी एन इक्वल टू एम एन वी एन ओके नाउ एम एज इट इज रहेगा ये देखो एम एज इट इज रखेंगे बट वी वन की जगह पे क्या लिखेंगे आर वन हो V2 की जगह पे क्या लिखेंगे आर टू और Vn की जगह पे आर एन ठीक है तो इस तरीके से हम अलग अलग पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाला आगे जैसे हमने पहले पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम निकाला वैसे हम दूसरे तीसरे लास्ट वाले पार्टिकल्स का भी एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे ये केस हो गया नाउ एंगुलर एम सॉरी एम सॉरी एम सॉरी एम सॉरी आई एम सॉरी मैं लीनियर मोमेंटम बोलना चाहता था जैसे हमने पहले पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम निकाला वैसे हम सारे पार्टिकल्स का लीनियर मोमेंटम निकाल लेंगे पी वन पी टू पी थ्री अप टू पी एन डन यहाँ तक नाउ एंगुलर मोमेंटम इज दस द मैग्नीट्यूड सॉरी एंगुलर मोमेंटम दस ऑफ मैग्नीट्यूड एल वन इक्वल टू पी वन आर वन अब ये फॉर्मूला कहा से आया तो मैंने आपको पहले बताया कि अगर हम लीनियर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है एम इन टू वी होता है ये मैग्नीट्यूड वाइज है और एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा एम वी आर ये होता है उसमें एम वी आर में एम वी मिलाकर क्या होगा पी और ये आर होगा तो देखो ये आ गया एल वन इक्वल टू पी वन आर वन आगे जाकर इनको ओपन ही करना पड़ेगा क्या ओपन करना पड़ेगा एम वी आर को सॉरी पी आर को उनको एम वी आर लिखना पड़ेगा तो यहां पर हम क्या लिखेंगे एम वी आर अब वी क्या होता है वी है आर ओमेगा तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा ऐसा होगा समझ पा रहे हो आप पी इक्वल टू एम बी होता है एल इक्वल टू एम बी आर होता है एम बी आर में एम वी मिलाकर पी होगा और पीछे आर है तो वो उन्होंने यहां पर लिया है अब एम बी आर में वी जो है वो वेलोसिटीज आर ओमेगा होता है तो ये एक आर और इसमें से निकला हुआ आर आर स्क्वायर हो गया और ओमेगा हो गया तो अल्टीमेटली एल का जो फॉर्मूला है वो है आर ओमेगा स्क्वायर

ये सारे एंगुलर मोमेंटम निकाला मुझे बताओ एंगुलर मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम स्केलर है या वेक्टर है वेक्टर वेक्टर यस वेक्टर है तो अगर ये वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन तो होगा और हर एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अलग अलग होगा तो अब हम उसको ऐड कैसे करेंगे तो जब हम बहुत सारे एंगुलर मोमेंटम अलग अलग डायरेक्शन में है एल वन एल टू एल थ्री डायरेक्शन वाइज नहीं करना है सारे एंगुलर मोमेंटम ऐड करना है ऐसे लिखना पड़ेगा इसलिए ये लोग ने देखो चाला की क्या की इन्होंने यहां तक सब वेक्टर फॉर्म रखा तक जैसे वेलोसिटी से वो लोग लीनियर मोमेंटम आए उन्होंने वर्ड कर दिया मैग्नीट्यूड मतलब इधर से ही उन्होंने डायरेक्शन को दूर करना चालू कर दिया मैग्नीट्यूड क्या है फर्स्ट पार्टिकल्स का P1, P2, P3. और फिर जैसे इधर किया एंगुलर मोमेंटम पे तभी भी देखो क्या वर्द डाला मैग्नीट्यूड मतलब इधर भी उन्होंने एंगुलर मोमेंटम निकाला बट मैग्नीट्यूड में निकाला मतलब समझ रहे वो लोग ट्विस्ट क्या ले रहे अगर वो डायरेक्शन के साथ आता है ना तो सबके ऊपर बार आता है एल वन बार इक्वल टू एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा यहां पर बार इसके ऊपर होता क्योंकि मास और ओमेगा तो स्केल uh, स्केलर uh, है आर सिर्फ वेक्टर है तो इस तरीके से लिखना पड़ता था बट उसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने पहले से ही वेक्टर को हटा के सीधा मैग्नीट्यूड वर्ड लेना शुरू किया अब आगे देखो फॉर अ रिजिड बॉडी विद्स एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑल दिस एंगुलर मोमेंटम आर डायरेक्टेड अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन सारे एंगुलर मोमेंटम एक ही डायरेक्शन में होते हैं कौन से डायरेक्शन में अलोंग दी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब जितने भी एंगुलर मोमेंटम होंगे सबका डायरेक्शन एक हो जाएगा एंड दिस डायरेक्शन कैन बी बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और ये डायरेक्शन अगर जानना है तो राइट हैंड थंब रूल सीखना पड़ेगा उसके थ्रू हमें पता चल जाएगा एज ऑल दी अबो आर इन द सेम डायरेक्शन देयर मैग्नीट्यूड कैन बी एलजीब्रिकली एडेड मैग्नीट्यूड को ऐड कर सकते क्योंकि सबका डायरेक्शन अगर एक है तो मैग्नीट्यूड वाइज उसको एड कर सकते हैं। दस द मैग्नीट्यूड ये वर्ड कभी मत छोड़ना मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी गिवन बाय मैग्नीट्यूड में हम ऐड कर रहे वन का फॉर्मूला क्या है एम वन आर वन स्क्वायर ओमेगा एल टू का एम टू आर टू स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस एल एन का एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा इस तरीके से मैंने अगर स्क्वायर नहीं बोला तो समझ लेना मैं बोलना भूल गया हूं बट लिखा हुआ चीज वो सही है सब में से जो कॉमन है वो ओमेगा उसको बाहर निकाल दे अंदर क्या बचेगा एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एम एन आर एन स्क्वायर और बाहर आएगा ओमेगा ये पूरा जो ब्रैकेट का टर्म है वो क्या है आई क्योंकि ये इससे पहले भी हम ले चुके हैं तो एल क्या हो गया आई ओमेगा हो गया फॉर्मलाम्स मोमेंट ऑफ इनर्शियावल देखो दस एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल इक्वल टू आई ओमेगा इज एनालगस टू एक्सप्रेशन पी इज इक्वल टू एम बी ऑफ लीनियर मोमेंटम If the moment of inertia I replaced by mass, which is its physical significance, तो yahan par ek physical significance ka naam liya hai ki L ka formula, L ka formula hai I omega, aur P ka formula hai mv. तो जब आप linear motion को angular में convert कर रहे हो, तो linear velocity angular velocity बनेगी और linear mass angular mass बनेगा. और angular mass क्या है I. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और एंगुलर मोमेंटम एल है तो आपका फॉर्मूला इस तरीके से बदला हो गया बद, आ, बदली हो गया यहां तक क्लियर हुआ आपको ये सारी चीजें कैसे फॉर्मूला yes, yes. हाँ ये भी तीन मार्क का डेरिवेशन है जिसमें डायग्राम आना चाहिए यहां डायग्राम नहीं दिया बट मैंने आपको जो डायग्राम दिया था वो कौन से टॉपिक का था 1.5 यानी ये वाला डायग्राम दिया था उन्होंने ये वाला डायग्राम 1.12 डायग्राम ये डायग्राम आपको लेकर उस कंडीशन को जस्टिफाई करना है तो आपका डायग्राम सेम रहेगा डेरिवेशन अभी जो लिखा वो थ्री मार्क्स के लिए डेरिवेशन है और शुरू होता है फिगर लिखा है वहां से तो ये पूरा डेरिवेशन तीन मार्क्स का है मैं एक चीज पूछना चाहता हूं अगर आ, किसी बॉडी के पास मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी तो उसका मोमेंटम चेंज कब होता है जब हम उसे फोर्स लगाएंगे सही है yes. तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज करने के लिए फोर्स जरूरी है बट बिना फोर्स लगाए अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो उस चेंज में डिफरेंस जो होगा मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम ये जीरो होगा या कुछ वैल्यू होगा मैंने फोर्स नहीं लगाया है बट फिर भी मोमेंटम चेंज हुआ है तो चेंज इन मोमेंटम जो है उसका फाइनल माइनस इनिशियल जीरो होगा या कुछ अलग होगा कुछ अलग ओके कुछ अलग, okay. तो आपको ये सारे केसेस पता है जब हम बुलेट फायर करते हैं गन में से तो बुलेट का जो मास है और उसकी जो वेलोसिटी है वो ज्यादा मास छोटा होता है वेलोसिटी ज्यादा होती है और घन का मास ज्यादा है वेलोसिटी कम है पर जब हम फायर करते हैं तो बुलेट आगे जा रही है मतलब फॉरवर्ड और गन कहाँ आती है बैकवर्ड तो इन दोनों का जो मोमेंटम है वो डिफरेंट डिफरेंट है बट दोनों मोमेंटम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करते हैं यानी फाइनल मोमेंटम एग्जैक्टली इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम सो डिफरेंस इन मोमेंटम इज ऐसा होता है ये पता है आपको इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ये वर्ड सुना है ना आपने Of yes, sir. हाँ yes, sir. ऐसे और बहुत सारे मोमेंटम like तो तो के के में, अच्छा, में मान लो एक या एक से ज्यादा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं सुनना ये चीज लीनियर मोमेंटम में एक या एक से ज्यादा सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इंडिविजुअली सिस्टम का लीनियर मोमेंटम अलग अलग हो सकता है बट जब हम फाइनल माइनस इनिशियल डिफरेंस निकालते तो वो हमेशा जीरो होता है अगर बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व है तो सबका लीनियर मोमेंटम अलग अलग होगा बट फाइनल माइनस इनिशियल जब डिफरेंस करने जाएंगे यानी हम लोग अगर देखेंगे कि एग्जैक्टली exactly कितना मोमेंटम चेंज हुआ है तो आंसर आता है जीरो इसका मतलब है सिस्टम को बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है सिस्टम को बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है ये सब है ना लीनियर का केस है इसको उठा के रिप्लीका कर लो एंगुलर के लिए तो एंगुलर के लिए क्या हो जाएगा कि कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम करके भी एक कॉन्सेप्ट है और अगर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी फाइनल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम जीरो है इसका मतलब सिस्टम में बाहर से कोई टॉर्क नहीं अप्लाई हुआ है टॉर्क जो फोर्स का एंगुलर वर्जन है वो टॉर्क अप्लाई नहीं हुआ है ऐसे माना जाता है तो जब किसी सिस्टम के ऊपर या नंबर ऑफ सिस्टम्स के ऊपर टॉर्क अप्लाई नहीं होता है तो आपस में उसका मोमेंटम बदलते रहता है बट डिफरेंस हमेशा जीरो आएगा ठीक है ये सिर्फ जानकारी के लिए इसका थोड़ा सा यूज इसके बाद होने वाला है तो चलो आगे का टॉपिक देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में हमें ढूंढना है पहले टॉर्क फोर्स के टर्म्स में हमें पता है क्या वो देख लेते हैं देखो टॉर का सिंबल है टाओ ऐसे कुछ बनाते हैं उसको दिस टाव इक्वल टू लीनियर फॉर्म में उसको लिखते हैं आर एफ लीनियर फॉर्म में उसको लिखते हैं आर एफ बट एंगुलर फॉर्म में सॉरी वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखते हैं टाओ बार इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार इक्वल टू आर एफ साइन थीटा ऐसा होता है टाओबार ये हमारा टॉर्क और फोर्स का रिलेशन हुआ एक एंगुलर टर्म है एक लीनियर टर्म है बट अभी हम टॉर्क किस टर्म में निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स मतलब टॉर्क का एक फॉर्मूला आएगा जो आई आए के साथ जुड़ेगा आई के साथ कोई तो नए टर्म्स आएंगे वो सब मिला के हमें टॉर्क का फॉर्मूला पता चलेगा ओके तो अब हमें वो ढूंढना है तो उसके लिए क्या केस लेना है फिर से डायग्राम फिर से कोई तो इरेग्युलर शेप डायग्राम हमने ले लिया उस इरेग्युलर शेप डायग्राम का पूरा मास जो है, capital M है वो पूरी बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है हर एक पार्टिकल का मास अलग अलग है एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरी बॉडी एक कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ घूम रही है यहाँ पर हमें कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड नहीं लेना है हमें यहाँ पर लेना है कॉन्स्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन इसका मतलब बॉडी अल्फा के साथ घूम रही है अल्फा क्या होता है रोटेशन में धीरे धीरे स्पीड अप लाते जा रहा है बॉडी को घुमा रहा है बट धीरे धीरे उसको स्पीड अप करते जा रहा है इसलिए इसका कांस्टेंट एंगुलर आ रहा है ना अगर कांस्टेंट एंगुलर एक्सलेशन आ रहा है तो हर एक पार्टिकल्स का मास M1, M2, M3 है एक्स से डिस्टेंस है आर वन आर टू आर थ्री अप टू आर एन जो भी होगा वो सब सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेंगे हर एक पार्टिकल्स का एंगुलर एसलरेशन कॉन्स्टेंट है बट लीनियर एसेलोरेशन अलग अलग होगा क्यों ऐसे क्योंकि जो पार्टिकल नजदीक होता है एक्सिस से उसका एंगुलर सॉरी uh, उसका लीनियर कम होता है जो दूरी पे होगा उसका लीनियर ज्यादा होता है तो हर एक पार्टिकल्स का लीनियर एसेलरेशन अलग होगा ना वॉट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एसेलरेशन तो ए इज योर लीनियर एसेलरेशन इक्वल टू आल्फा आर या आर आल्फा अल्फा इज एंगुलर एसलरेशन ए इज लीनियर एसलोरेशन और उसको रिलेट करने के लिए आर चाहिए ठीक है तो ये हमारा फॉर्मूला है अब इसके बाद हम क्या करने वाले वो देखो हम लीनियर एसलेशन तक पहुंचने के बाद हम फोर्स पे पहुंचेंगे लीनियर से फोर्स कैसे पहुंचा जाता है तो फोर्स इज इक्वल टू मास इन टू एसेन फोर्स पे पहुंच गए और फोर्स से हम टॉर्क पे कैसे पहुंचेंगे तो टॉर्क इक्वल टू आर एफ होता है इसका मतलब आर एम ए और ए में कौन है ए में आर अल्फा है इसका मतलब एम आर अल्फा यहाँ तक हम पहुंचेंगे मतलब अल्टीमेटली हमें टाव का ये फॉर्मूले तक पहुंचना है शुरुआत कहां से करनी है ए से इज़ इक्वल टू आर अल्फा से यहाँ से इधर पहुंचेंगे यहां से इधर पहुंचेंगे उसके बाद यहां से इधर पहुंचेंगे ठीक है ये सारे स्टेप्स हैं चलो शुरू करते हैं

क्योंकि अब तक हम यूसी लेता एंगुलर स्पीड के लिए यहाँ पर पार्टिकल स्पीडअप हो रहा है ना तो इसीलिए यहां पर सिर्फ वर्ड लेंगे ऑल द पार्टिकल परफॉर्म सर्क्यूलर मोशन विथ द सेम एंगर एसेलेशन अल्फा बट विथ द डिफरेंट लीनियर एसेलोरेशन

लीनियर एसेलेशन का डायग्राम डायरेक्शन होता है वही हमारे फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा ओके नेक्स्ट एस दिस फोर्स आर टेंजेंशियल ये सारे फोर्स टेंजेंशियल है सो दे रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस आर आर वन आर टू अप टू आर एन मतलब फोर्स और जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स और जो डिस्टेंस है वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है डायग्राम में भी आपको दिखेगा ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है ये वाला ये आर है और फोर्स ऐसे लग रहा है मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर टू इच अदर है इधर भी ये दोनों परपेंडिकुलर है यहां पर भी ये दोनों परपेंडिकुलर है मतलब जितना भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है हर एक पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स उसके रेडियल डिस्टेंस से परपेंडिकुलर है तो इससे फर्क क्या पड़ेगा काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा जस्ट लाइक अ डोर आप डोर को ओपन करने के लिए डोर को खींचते हो पीछे बट वो टर्न होती है एंगल में डोर को बंद करने के लिए धकेलते हो आगे बट वो बंद होती है एंगल में तो आप देखोगे वहां पर अप्लाइड फोर्स और जो डिस्टेंस है एक्सिस से ये परपेंडिकुलर टू इच अदर होता है मतलब कहीं ना कहीं ये टॉर को इंडिकेशन कर रहा है आगे एज अ फोर्स आर टेंजेंशियल रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टोर्क एक्सपीरियंस बाय द फर्स्ट पार्टिकल इज बाय टाव इज़ इक्वल थ्री आर आपको बताया, उन्होंने एफ आर एन स्क् टॉर्क आ गए टॉर्क वेक्टर क्वॉंटिटी है ठीक है और सारे टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा तो उसको भी मैग्नीट्यूड में ही लेना है देखो यहाँ पर भी आपको सारे वर्ड मैग्नीट्यूड में दिखेंगे मैं बताना गया, बट यहां आपको आगे भी कहीं पे होना चाहिए नहीं हुआ तो भी आपको मैग्नीट्यूड वर्ड लेके ही चलना है ऑल द रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू सिंगल प्लेन सो डायरेक्शन ऑफ ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन एंड अलोंग द एक्सिस

तो इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी वो लोग आपके हाफ मार्क्स कट करते हैं तो जो भी स्कॉलर बच्चे जो एक्चुअली प्रॉपर वे से पेपर लिख रहे हैं तो बोर्ड में आफ्टर करेक्शन के बाद बच्चे के मार्क्स कहाँ हम लोग कट कर सके ये ढूंढना स्टार्ट करते हैं पहले तो हम क्या करते बच्चे को कहा मार्क्स दे सकते ये ढूंढते जो बच्चा सेवेंटी मार्क्स का पेपर अटेम्प कर चुका है बट उसने काफी लिखा नहीं है उसने आधे ज्यादा पेपर ब्लैंक है तो उसको मार्क्स कहाँ दे वो हम ढूंढते हैं बट अगर बच्चे ने भरपूर पेपर लिखा है तो हम ये ढूंढते हैं कि उसको कहा मार्क्स काट सके तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक से भी आपके आधे आधे मार्क्स कटते हैं तो अगर आपको अच्छा पेपर रिप्रेजेंट करना है तो जितनी हो सके उतनी मिस्टेक्स कम करो जिससे मार्क्स काटने का कहीं बने ही नहीं एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस एम एन आर एन स्क्वायर अल्फा ब्रैकेट के अंदर का टर्म क्या है आई है तो वो सब मिला के हमारा यहाँ पे हट जाएगा ठीक है उ गिशन टाव क्या अगर मैं यहाँ टाव लिख रहा हूं तो आई अल्फा लिखूंगा अगर मैं यहाँ फोर्स लिख रहा हूं तो मैं मास इन टू एक्सेलरेशन लिखूंगा तो जब फोर्स एंगुलर फॉर्म में होता है तो टॉर्क बनता है तो एक्सेलरेशन एंगुलर फॉर्म में एंगुलर एक्सेलरेशन बनेगा तो मास एंगुलर में क्या बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हो गया यहां तक क्लियर है ओके आई नो चैप्टर थोड़ा बोरिंग होते जा रहे हैं बोरिंग हो चुका है बट स्टिल जितने भी डेरिवेशन आ रहे सारे के सारे डेरिवेशन स्टार मार्क्स वाले हैं यानी वो डेरिवेशन तीन तीन मार्क्स के बन रहे हैं और ये चैप्टर में Uh, सात मार्क का क्वेश्चन बनता है विद ऑप्शन के साथ तो डेरिवेशन सम्स एक मार्क का दो मार्क का सम्स या दो मार्क की थियोरी कुछ भी बन सकता है और एमसीक्यू उसको तो भरपूर बनेंगे तो अभी मैं एक छोटा सा टाइम गैप लेकर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ आप सबके पास इलेवेंथ का टेक्स्ट बुक है yes, फिजिक्स का है न? उस इलेवेंथ के फिजिक्स के टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स करके है चैप्टर थरली आपको पढ़ना है उसमें से जो भी रिड्यूस पोर्शन में था वो भी पढ़ना है ठीक है पूरा चैप्टर में जो कुछ भी दिया सब कुछ पढ़ने के बाद आपका उस चैप्टर के ऊपर टेस्ट है। कितने एमसीक्यूज होंगे 15 टू 20 एमसीक्यूज होंगे अगर 20 एमसीक्यूज बनेंगे तो उस 20 एमसीक्यूज का जो टाइम सेट होगा वो 30 मिनट्स होगा बीस एमसीक्यूज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के ऊपर है और आपका टाइमिंग होगा करीब uh, थर्टी मिनट्स ठीक है तो ट्वेंटी एम सी थर्टी मिनट्स मैं कोशिश करूंगा कि गूगल फॉर्म्स में पेपर बनाऊं या मैं क्वेश्चन दे देता हूँ uh, सागर सर को या रोहित सर को तो वो क्वेश्चन बना लेंगे क्योंकि उनको गूगल फॉर्म ज्यादा ईजी हो रहा है बनाने के लिए तो मैं उनको क्वेश्चन दे दूंगा हम लोग उसका टेस्ट कंडक्ट करें अभी टेस्ट का डेट आप बताओ कब लेना है आपका कब तक पढ़ के हो जाना चाहिए एक हफ्ता नहीं है क्योंकि जैसे ही वो चैप्टर का टेस्ट होगा आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो मैं आज भी दे सकता हूँ इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने मैंने आपको बताया था पांच एमसीक्यूज पांच दिए क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करने जो सॉल्विंग मेथड है वो आपको दिखाना है मुझे और आंसर्स आपको लिख के अपने नोटबुक में रेडी रखना है ये सारा काम होने के बाद आप लोग इस चैप्टर के टेस्ट के ऊपर जाओगे तो ये चैप्टर का टेस्ट मुझे अगले गुरुवार तक लेना है अगले गुरुवार को या शुक्रवार को यानी ने नेक्स्ट वीक में तो उससे पहले आपका वो यूनिट्स और मेजरमेंट्स का टेस्ट हो जाना चाहिए तो अब बताओ वो कब टेस्ट कब ले यूनिट्स और मेजरमेंट्स के ऊपर ट्वेंटी एमसीक्यू के ऊपर आपकी कॉलेज का एग्जाम चल रहा है कितने लोगों के एग्जाम्स बचे हुए हैं जस्ट हाथ ऊपर करो किसी का नहीं बचा है इलेवन का एग्जाम ओके okay. मतलब सबके इलेवन के, के एग्जाम्स हो चुके हैं तो फिर बेटर है ना आरबीआई के बच्चे हैं अच्छा सभी कॉलेज के हो चुके हैं सिर्फ एक बच्चे का बाकी है 11 के एग्जाम खत्म हो चुके होंगे ना तो ठीक है फिर हम लोग मंडे या ट्यूसडे ले सकते हैं चलेगा यस yes. हाँ। तो संडे को तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं रखेंगे मंडे के लिए मैं सर को बोल देता हूँ कि मंडे को इनका पहला टेस्ट है यूनिट मेजरमेंट जिसके क्वेश्चन में कल सर को दे दूंगा और रहा सवाल आपका इस चैप्टर का टेस्ट ये हम लोग फ्राइडे या सैटरडे को कंफर्म करेंगे

टम इन रोटेशनलिक्स तो टॉर्क for तो तो और लीनियर एंगुलर मोमेंटम ये एंगुलर uh, क्वान्टिटी है जैसे लीनियर मोशन में वैसे

डेरिविट डेरिवेशनस या डेरिवेटिव्स आपको स्टार्ट हुआ रहेगा तो अच्छा है नहीं हुआ रहेगा तो यहां पर ध्यान देना हम डी बाय डी बाय डीटी कर रहे हैं डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम किसका एल बार का तो यहां पर अभी हम क्या करेंगे डी बाय डीटी ऑफ आर बार क्रॉस पी बार करेंगे अभी प्रॉब्लम क्या है कि डेरिवेटिव का एक रूल है चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एम इन टू सॉरी डेरिवेटिव ऑफ यू वी क्या होता है यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरीवेटिव ऑफ यू ऐसे होता है ठीक है मैं लिख के दिखाता हूं डी बाई डी टी ऑफ यू वी इसका फॉर्मूला है यू डेरिवेटिव ऑफ वी प्लस वी डेरीवेटिव ऑफ यू ये फॉर्मूला है बट हमारे केस में ये यू है आर वाला और ये वी है तो हम पहले u को बाहर निकालते थे और बाद में v को बाहर निकालते थे यहां हम ऐसा नहीं करेंगे यहां पर हम क्या करने वाले वो ध्यान से देखना पहले जैसा u है वैसा ही u रहना चाहिए जैसा v है सेकेंड पोजिशन पे वो सेकंड पोजिशन पे रहेगा तो सबसे पहले हम u को बाहर निकालेंगे यानी r बार क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ p बार मतलब हमने ये वाला केस कर दिया अभी प्लस U को डेरिवेटिव करना है बट वी को नहीं करना है तो वी को नहीं करना है तो वी को पीछे ही रखो V हमारे केस में कौन है पी है उसको पीछे ही रखो क्रॉस यहाँ रखो किसका डेरिवेटिव करना है डी बाई डी टी ऑफ आर इस तरीके से यानी हमने पी को आगे नहीं लाया पी को पीछे ही रखा जो उसकी पोजिशन है सेकेंड पोजिशन क्रॉस प्रोडक्ट में पोजिशन मैटर करता है पहला टर्म दूसरा दूसरा टर्म पहला हो गया ना तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर नेगेटिव हो जाता है इसलिए हमने यूवी रूल तो लगाया बट शिफ्टिंग नहीं किया ओके इसको चेन रूल बोलते हैं नाउ यहां पर डी बाय डी टी ऑफ एल बार इसको एज लिखेंगे डी एल बार अपॉन डी टी इक्वल टू आर बार एज रहेगा आर बार क्रॉस अच्छा ये क्या होता है इसको क्या बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट फोर्स तो यहां पर आएगा एफ ओके okay? फिर प्लस साइन जैसा था वैसा प्लस साइन ये टर्म कौन सा है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर इज नथिंग बट पोजिशन फैक्टर मतलब रेडियस मतलब एक्चुअली वो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है जो भी आप लेना चाहो तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है वेलोसिटी तो वो जगह पे क्या लिखेंगे हम उसकी जगह पे लिखेंगे V बार समझ रहे हो V बार बाकी का टर्म ऐसे का ऐसी क्रॉस P बार ये क्लियर हुआ आपको ओके yes, okay. अभी आगे R बार क्रॉस F बार R बार क्रॉस F बार ये इज लिखेंगे हम लोग r बार क्रॉस f बार ओके okay? प्लस इसको क्या करने वाले V बार क्रॉस मोमेंटम मतलब क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी ऐसा होता है और आगे देखो ये मास है ना स्केलर है बेटा तो उसको कहीं पे भी लिख सकते हैं आगे पीछे किधर भी तो हम उसको आगे ले लेते हैं तो बचेगा क्या वी बार क्रॉस वी बार मास को आगे ले लिया तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन है ब्रैकेट डाला उसका मतलब अलग नहीं हुआ है तीनों टर्म मल्टीप्लीकेशन है आगे का टर्म एज इट इज आर बार क्रॉस एफ बार अच्छा सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है जीरो सेम क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो क्योंकि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एंगल साइन थीटा होता है और अगर दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उनका साइन का एंगल जीरो हो जाता है और साइन जीरो मतलब जीरो इसलिए दो वेक्टर सेम वेक्टर है उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है तो ये पूरा का पूरा टर्म निकल गया तो बचा कौन आर बार क्रॉस एफ बार इक्वल टू डी बार बाय डी समझ गए डीएल बार बाय डी टी यहां तक ओके okay. यहां से हटा लेता हूं टाओ बार उसको हटा के हम यहां पर टाओ डाल देंगे टाओ बार इक्वल टू डीएल बार बाय डी टी होता है अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी बॉडी पे अप्लाई हो रहा है वो जीरो है मतलब टाव जीरो हो गया और अगर टाव जीरो हो गया इसका मतलब ये जो डेरिवेटिव हो रहा है डीएल बार बाई डी टी वो जीरो कब होता है कि जब कोई भी वैक्टर सॉरी सॉरी कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है मतलब कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव नहीं हो सकता कॉन्स्टेंट टर्म मतलब कौन नंबर या कोई ऐसी चीज जिसको चेंज नहीं कर सकते तो उसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है इसका मतलब बार क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया तो ये पूरा डेरिवेशन क्या शो करता है कि अगर बॉडी पे लगने वाला बाहरी टॉर्क जीरो हो जाए तो बॉडी के अंदर चेंज होने वाला जो एंगुलर मोमेंटम है वो जीरो हो जाएगा यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट हो जाएगा एंड इसी को तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम बार इज कंसर्ड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड टॉर्क

और उसके बाद पूरा डेरिवेशन शॉर्ट में हर एक स्टेप्स के साथ आप लिख सकते हो लास्ट लाइन मस्ट है दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यहां तक है, यहां तक इंपॉर्टेंट है तो इसका आधा मार्क्स है लास्ट लाइन का तो ये पूरा डेरिवेशन दो मार्क्स के लिए आता है आई होप आपको समझ में आ रहा है yes, sir. Yes, sir. इलेवेंथ बहुत ईजी गया है बट ट्वेल्थ थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा है बट डरो मत ये फर्स्ट कुछ लेसन ऐसे है जो ड्राई चैप्टर है जिसमें ज्यादा कंटेंट डीपली जाना पड़ेगा ऐसे कुछ हो सकता है डेरिवेशन से जो हमारे सामने दिख रहे हैं वैसे का वैसे आपको लिखना है कुछ भी चेंजेस नहीं है एक का बीच में स्टेप्स नहीं लिखा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूं बस इतना ही चीज है बट आगे का चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है नया नया चीज सीखने मिलेगा जो हमने सुना भी नहीं रहेगा ऐसी चीज

हाँ तो इतनी सारी चीजें आपको जो पता है ना अभी ये सारी चीजें हम लोग पेपर वन में देखेंगे मैं पेपर टू की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो चार्जेस रिलेटेड जो कुछ भी हो पेपर टू में जाएगा पेपर वन में ये सारी चीजें बट और डिफ्रेक्शन आई होप आपने सुना है या नहीं मुझे पता नहीं कहीं पे सुना है इंटरफरेंस डिफ्रेक्शन ऐसी कुछ वर्ड्रेक्शन डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एक सेकेंड है हाँ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट आपने सुना है बराबर स्कैटरिंग ये सुना है आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट सुना है. तो ये जो डिफ्रेक्शन है जो आपने सीखा था वो थोड़ा बहुत तो आपका आइडिया है बट इंटरफ्रंस नहीं पता है तो ऐसी नई चीज आ गई इंटरफरेंस रेजोनेंस आपने कहीं सुना है रेजोनेंस रेजोन yes. फिजिक्स में या केमिस्ट्री में केमिस्ट्री केमिस्ट्री में Chemistry में हाँ क्योंकि केमिस्ट्री का भी रेजोनेंस है मैंने भी पढ़ा है वो तो केमिस्ट्री का रेजोनेंस है फिजिक्स का भी है रेजोनेंस बीट के बारे में पता है बीट्स बीट्स के बारे में म्यूजिक का है मतलब वो पार्ट बीट फकोर्स जो म्यूजिक से रिलेटेड होगा उसे बीट्स के बारे में नॉलेज होगा जो हम लोग अगर कोई गाना बजा रहे उसके पीछे का जो म्यूजिक है वो थोड़ा चेंज करते हैं नॉर्मल जास है रेट्रो uh, स्टाइल है या फिर मेटल वाला है ये सारे जो बीट्स हम चेंज करते हैं हाँ ये सब चीजें हम लोग फिजिक्स पेपर वन में सीखने वाले हैं और हर चीज रिलेटेड टू आपके लाइफ uh, के साथ है आज छोटा सा एक चीज ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्टडी डिफिकल्ट जा रही है तो उसका रीजन क्या होगा मैं आपको एक हल्का सा रीजन बता सकता हूँ जो मैंने ऑब्जर्व किया है किसी स्टूडेंट के अंदर जब आप पढ़ाई करने बैठते हो ना तो पढ़ाई का पार्ट अलग आप समझते हो ऐसा मुझे लगता है आई एम नॉट श्योर कि आप मानते हो या नहीं बट मुझे ऐसा लगता है कि आपने पढ़ाई के पार्ट को अलग समझा है और आप जो लाइफ रियली uh, really जो जी रहे हो उसमें जो चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे हो उसको आप अलग समझ रहे हो जो बच्चा लाइफ में uh, जो भी चीज यूज कर रहा है जो देख रहा है उसको स्टडी के साथ अगर जोड़ पाएगा ना उसके लिए स्टडी इजी हो जाएगी तो करना क्या है आप जो भी सीख रहे हो ना वो चीजों को प्रैक्टिकली उसका एप्लीकेशन किधर है जो आप अप्लाई कर रहे हो उसका बेसिक फंडा uh, क्या है अगर आप वो समझ लेते हो तो चीजें बहुत सिंपल हो जाती है कोई चीज मगअप करना कब पड़ती है जब हमें उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता अगर नॉलेज आया तो हम उस ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं भले थोड़ा टाइम लगेगा उसको समझने ग्रास्पिंग करने में शॉर्ट करने में लिखने में टाइम लगेगा बट एक बार आपने सीख लिया है तो उसको ओन वर्ड्स में आप कभी भी डिस्क्राइब कर सकते हो बट वो चीज आपने सीखी नहीं जस्ट पढ़ी है बाय हार्ट की है तो जब आप एग्जाम आएगा तब लिख पाओगे बट उसके मीनिंग को नहीं आप पता कर पाओगे तो आप क्या करो जो भी चीज सीख रहे हो ना उसके साथ साथ वो चीजों को अपने रियल लाइफ में जोड़कर देखो किसके साथ जुड़ रही है हमने जितनी बार भी एंगुलर कॉन्सेप्ट स्टडी किया हमने फैन के साथ जोड़ा है तो अभी आप रिलेट कर पाओगे फैन के साथ आ, केवल आप प्रेजेंट हो केवल आप प्रेजेंट हो फैन की चीज से मुझे एक याद आया लास्ट लेक्चर में केवल नहीं बोला था ना फैन का और रोटेशन आरपीएम निकाल के आएगा अरे केवल है क्या तू नहीं नहीं है नहीं ढूंढा रहेगा उसमें तो आप फैन के बॉक्स में आरपीएम ढूंढ सकते हो आरपीएम आरपीएस के बारे में चलो ठीक है तो आप रियल लाइफ के साथ जोड़ने की कोशिश करो तो आपको समझेगा दूसरी चीज जो भी आप सीख रहे हो ना वो चीज को आप भूलने के लिए ऐसे मत देखो कि आपने सीखा और पढ़ने के बाद उसको साइड में रख दिया तो उसके बारे में नहीं सोचना है उसको आप हर चीज में ढूंढने की कोशिश करो तो ही आप उसे जोड़ पाओगे जैसे एंगुलर मोमेंटम का केस मैंने आपको एक आध एग्जाम्पल दिया होगा या नहीं दिया होगा बट लीनियर मोमेंटम का मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए रॉकेट का बुलेट का तो एंगुलर मोमेंटम का भी एक एकाध दो एग्जाम्पल आप ढूंढ के ला सकते हो जो आप आपके मेरे साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो स्टडी को हमेशा अलाइव रखो तो इंटरेस्ट जगेगा और इंटरेस्ट जगेगा तो चीजें नई नई ढूंढने में और समझने में आसानी हो जाएगी सिर्फ पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी दो घंटा खत्म होगा फिर बुक रख दोगे फिर टीवी सीरियल देखोगे या कुछ और करोगे तो फिर डिफिकल्ट हो जाएगा चीजों को रिकलेक्ट करने में जैसे मैंने अभी पूछा आपको आदि तक को भी आंसर नहीं आ रहा था कि टॉप पोजीशन पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था बॉटम पे कितना है मिडल पे कितना है क्यों नहीं आ रहा था क्योंकि उसको सिर्फ आपने पढ़ के छोड़ दिया था उसको रियल लाइफ में या फिर उसको समझने की कोशिश नहीं की होगी टाइम लगता है थोड़ा मुझे पता है मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऑन द स्पॉट सब कुछ हो जाना चाहिए टेक योर टाइम बट ऐसा नहीं हो कि आज मे मंथ में जो सीख रहे हो मैं जुलाई में आपको पूछूं फॉर्मूला और आपको तभी भी ना आए तो फिर ये आपकी गलती होगी मे मंथ में जो सीख रहा है वो जुलाई जून जुलाई अगस्त सितंबर तब तक तो याद रखना है तो याद रखने से बेटर है उसको जितना हो सके उतना रिवाइज करना चालू करो उसको रिलेट करता जाओ अभी स्ट्रेस कम है अभी हर एक का एक 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 सिलेबस का चैप्टर चल रहा है दो दो चैप्टर चल रहे हैं एक एक टीचर लेक्चर ले रहे हैं बट आगे जाकर लेक्चर बढ़ेंगे स्ट्रेस बढ़ेगा होमवर्क बढ़ेगा काम बढ़ेगा पढ़ने का टाइम कम मिलेगा फिर कॉलेज चालू होने के बाद फिर से वही रूटीन चालू हो जाएगा लाइफ तो जितना टाइम अभी मिल रहा है उसका यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट रखो मैं अपना टाइम यूटिलाइज करता हूं मैं रात को स्टडी करता हूं तो आप अपने हिसाब से अपना टाइम सेट करो कि आप कब कौन से टाइम पे अच्छे से पढ़ सकते हैं मैं रात को दो तीन घंटा इजीली निकाल सकता हूँ जो भी मुझे काम करना है स्टडी करना है उसके लिए नई स्टडीज के लिए पुरानी स्टडीज तो ठीक है मुझे आती है बट मुझे जो नया सीखना है जो भी मैं सीख रहा हूं उसके लिए मैं आगे पढ़ाई के लिए रात को टाइम निकाल रहा हूँ तो आपके पास भी वैसा टाइम होना चाहिए अपने लिए चलो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम खत्म अब आते हैं

अपने बॉडी को स्ट्रेच करके बॉडी को स्ट्रेच करके सर्कुलर मोशन करता है द द डांसर डांसर कम टेकिंग ऑफ स्मॉल अभी एक है तो वो बड़ा रेडियस लेगा और जब वो छोटा रेडियस लेगा तो वो अपने बॉडी को स्क्वीज कर देगा अगर अकेला डांसर है तो अगर ग्रुप ऑफ डांसर्स है तो वो क्या करेंगे ज्यादा लोग है ना तो बड़े सर्कल लेने के लिए वो क्या करते बड़ा रेडियस ये करते कवर अप करते तो उनकी स्पीड आपको छोटी दिखेगी है तो वो उसी स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहे होते ओमेगा से बट बड़ा सर्कल ले रहे हैं इसलिए आपको स्पीड कम दिखेंगी द डांसर कम टूगेदर बाय टेकिंग अ राउंड ऑफ स्मॉल सर्कल सारे डांसर नजदीक आ जाएंगे जब छोटा सर्कस छोटा सर्कल ये परफॉर्म करना है तभी नियर द सेंटर सो इन दिस केस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम बिकम मिनिमम एंड बाय द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजेस टू मेक इट्स थ्रिलिंग जब छोटा सर्कल करना है तो वो क्या करते हैं अपने आप को स्क्वीज कर लेते हैं छोटा कर लेते हैं जिससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाए तो वो आई कम होगा तो ओमेगा बढ़ेगा वाइल आउटर राउंड द डांसर देयर लेग जब बड़ा सर्कल लेना है तो डांसर अपने पैर को लंबा करते हैं जिससे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा आई बढ़ा तो ओमेगा कम हो जाएगा ठीक है एंड इसकी वजह से आपकी स्पीड पे भी इम्पेक्ट पड़ेगा जिससे वो लोग स्लीप होने से अपने आप को बचा सकते हैं अब साइकिल चलाने वाला भी क्या करता है उसको ध्यान नहीं होता है बट साइकिल चलाने वाला अगर कोई अः कट ले रहा है अच्छे से किसी पर्सन को एकदम जस्ट नजदीक से टर्न मार के निकल रहा है तो ऐसे में वो साइकिल को एक साइड पे और अपने आप को दूसरे साइड पे करता है यानी अगर साइकिल वर्टिकल है एग्जाम्पल देखो साइकिल वर्टिकल है और उसके ऊपर बैठा हुआ पर्सन ऐसा है और यहां पर कोई पर्सन है अगर उसको कट मारना है तो ये उसके नजदीक जाते जाते क्या करेगा जैसे वो नजदीक पहुंचेगा साइकिल को ऐसा टिल्ट करेगा और अपने आप को ऐसा या इसका उल्टा करेगा साइकिल को ऐसा टिल्ट करेगा और अपने आप को ऐसा मुझे लगता है पहला वाला केस ज्यादा होता है साइकिल को बाहर लेना है खुद को झुकाना है और उस पर्सन के जस्ट बाजू से निकल जाना है बराबर ना साइकिल को बाहर की तरफ खुद को अंदर की तरफ और उस पर्सन से एकदम नजदीक से निकल जाना है या इसका उल्टा भी हो सकता है साइकिल को पर्सन की तरफ खुद को बाहर की तरफ और झुका के निकलना है ये क्यों करना पड़ता है क्योंकि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को फॉलो करते हैं अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोड़ देंगे ना तो हम लोग डेफिनेटली उस पर्सन के ऊपर गिर जाएंगे या बाहर की तरफ गिर जाएंगे अगर साइकिल जिस तरह हम लोग थ्रो कर रहे हैं उसी तरफ हम गए लीन हुए तो गिर जाएंगे तो ये केसेस में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत रिस्पेक्ट देते बट हम पहले जानते नहीं थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सेकेंड केस देखो जब कोई स्विमिंग पूल में डाइव कर रहा है और कोई कॉम्पिटिशन है तो उसमें उसको स्टंट परफॉर्म करना है तो वाइल ऑन अ डाइविंग बोर्ड द डाइवर्स स्ट्रेच देयर बॉडी सो एज टू इंक्रीज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपनी बॉडी को फैला देते हैं इमीडिएटली आफ्टर लिविंग द बोर्ड जब वो बोर्ड को छोड़ देते जंप मारने के लिए वो अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं फोल्ड देयर बॉडी दिस रिड्यूस द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडरेबली और उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन इंक्रीज हो जाता है

बॉडी को ओपन करना क्लोज करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आपके बॉडी के हर एक पार्ट में मास है जितना आप उसे खोलोगे उतना आप क्या कर रहे हो आर बड़ा करते जा रहे हो एम तो हर एक पार्ट में इंक्लूडेड है तो उस हिसाब से आप एम और आर का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर रहे होके okay? अभी एक टॉपिक है रोलिंग मोशन नया टॉपिक है ये टॉपिक किसके साथ जुड़ा हुआ है मेरे क्वेश्चन के साथ मैंने आपको क्वेश्चन दिया था चार ऑब्जेक्ट स्लान सरफेस पे रोल करने पर चारों ऑब्जेक्ट का अगर आ, सेम रेडियस वाली है तो कौन सी ऑब्जेक्ट पहले पहुंचेगी किसने आंसर ढूंढा है क्या चारों ऑब्जेक्ट आई थिंक मार्बल मुझे लगता है शायद मार्बल मतलब वो स्फीयर हां सबसे दो था ना एक बड़ा स्फीयर और एक छोटा मार्बल नहीं नहीं, नहीं 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 एक रिंग था एक प्लेट था एक सिलेंडर था और एक स्पीयर था चारों का रेडियस सेम है ऐसे बोला था और स्लान सर्फेस से चारों को नीचे आने दिया तो कौन सी ऑब्जेक्ट पहले एंड तक स्पीयर सिलेंडर लग रहा है सिलेंडर ओके okay. चारों का रेडियस सेम है बट हाँ और चारों को रोल करके नीचे आने दिया तो आपको लगता है सिलेंडर पहले पहुंचेगा एक जन को स्पीयर लगता है अभी ये सारे रोलिंग मोशन के ऊपर है तो हम ये टॉपिक जैसे पढ़ेंगे आपको उसके अंदर क्लियर हो जाएगा कि कौन सा पहले पहुंचेगा सिलेंडर व्हील एक्सेट्रा व्ही प्लेट है वैसे ले सकते हो केस ऑफ अ प्योर रोलिंग टू मोशन आर अंडरटेकिंग साइमल्टेनियसली रोलिंग में दो चीज एक साथ हो रही है कौन सी कौन सी दो चीज सर्कुलर मोशन एंड लीनियर मोशन अब आप सोचोगे कैसे तो बॉडी रोटेट हो रही है इसके लिए वो सर्कुलर मोशन कर रही है पर बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है जो एक्जेक्टली exactly सेंटर में होता है वो आगे जा रहा है मतलब वो लीनियर मोशन कर रहा है तो ये चीज आप हमेशा याद रखो अगर ये फ्लैट सरफेस है और उसके ऊपर एक टायर भी रोल होके आगे जा रहा है ऐसे रोल होके आगे जा रहा है रोल होके आगे जा रहा है तो इसका जो भी पोजिशन है ये वाला पोजिशन फिलहाल यहां पहुंचा अभी यहाँ पहुंचा नेक्स्ट टाइम वो यहां पहुंचेगा और एक और सर्कल कंप्लीट करेगा ऐसा ठीक है रोल होते हुए तो वो जो मार्किंग लाइन है वो टर्न हो रही है मतलब वो रोटेशन मोशन कर रहा है सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशन बट इसका सेंटर ऑफ मास जब आप देखोगे ना ये ये इधर से शिफ्ट होकर इधर आया मतलब वो तो लीनियर मोशन कर रहा है यानी रोटेशन जो रोलिंग मोशन है वो दो चीजों से जुड़ा हुआ है एक सर्कुलर मोशन या रोटेशन ले सकते हो और एक लीनियर मोशन इंडिविजुअल मोशन ऑफ अ पार्टिकल एक्सेप्ट

सेंटर है वो सेंटर ऑफ मास है पूरे बॉडी का मतलब पूरी बॉडी का मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है और वो सेंटर क्या करता है शिफ्ट हो रहा है तो वो लीनियर मोशन कर रहा है मतलब वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन करता है पर बॉडी अलग अलग मास से बनी हुई है मतलब बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमने पकड़ा ना पर पूरी बॉडी के पास तो अलग अलग मासेस है यानी बॉडी के पास मासेस के पार्टिकल्स काफी अलग अलग है लाइक like, यहाँ पर एक मास है इधर एक मास है इधर एक, एक है इधर एक है तो ये सारे मासेस जो है वो क्या कर रहे हैं वो सर्कल परफॉर्म कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं हालांकि हर एक पार्टिकल्स का जो मोशन है वो ट्रेस करना डिफिकल्ट होगा तो देखा जाए तो ओवरऑल बॉडी रोटेशन मोशन कर रही है यानी सर्कुलर मोशन दोनों एक ही इस केस में बट इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो लीनियर मोशन कर रहा है तो इस दोनों कॉम्बिनेशन वाले मोशन को हम रोलिंग मोशन कहते हैं अब आगे क्या सीखने वाले वो देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट पोजेस टू टाइप्स ऑफ कैनेटिक एनर्जी

K क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन उस बॉडी का जिसका फॉर्मूला I इक्वल टू एम के स्क्वायर है हम स्टडी कर चुके हैं चलो यहाँ तक का क्लियर है आगे जाते हैं टोटल कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी इक्वल टू ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल कैनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम बी स्क्वायर एंड रोटेशनल कैनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा ओके दोनों फॉर्मूले आपको पता है इसका एम कैपिटल लिया है तो आप वो टेंशन लेना क्योंकि एम पूरे बॉडी का मास लिया उन्होंने ओके चलो और इसके ओमेगा को हम ये वाला फॉर्मूला दे देते हैं वी बाय आर का स्क्वायर तो हमने इसके आई को भी फॉर्मूला दे दिया ओमेगा को भी फॉर्मूला दे दिया वी बाय आर द होल स्क्वायर अच्छा अभी क्या कॉमन हो रहा है हाफ दोनों में है कॉमन निकला एम दोनों में है इधर भी है और इधर भी है तो कॉमन निकला स्क्वायर दोनों में देखो वी स्क्वायर इधर भी है और इधर भी वी स्क्वायर हो रहा है कॉमन निकला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वन हाफ एम वी स्क्वायर पूरा निकल चुका है ना तो वन और इधर क्या बच रहा है इधर बच रहा है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर ये समझा आपको फॉर्मूला ये रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मुला है ब्रैकेट तक क्लियर है ना अभी शांति से आगे देखना क्या हो रहा है जो भी आपका फॉर्मूला है वो आ, या फिर वो जो एनर्जी है वो इसी फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ने वाली आगे हम दो चीज अलग अलग करने वाले वेलोसिटी अलग करेंगे और एक्सेलरेशन अलग करने वाले हैं इट मस्ट बी रिमेंबर दैट स्टैटिक फ्रिक्शन इज एसेंशियल फॉर प्योरली रोलिंग मोशन इन दिस केस इट प्रिवेंट द स्लाइडिंग मोशन

तो इनिशियली क्या होता है ऑब्जेक्ट शुरुआत के मोमेंट पे रोल करता है ऐसे घूमता है घूमता है बट यहां से जब वो आगे जाता है ना तब वो स्लीप होता है तो स्लीप होगा तो क्या होगा कि उसका रोलिंग के टाइम ये पोजिशन इधर आया फिर इधर आया फिर यहां पर आया फिर ऊपर आया फिर इधर आया और फिर नीचे गया बट जब ये पोजिशन नीचे गया तो नेक्स्ट टाइम वो नीचे ही रहता है नीचे ही रहता है इसका मतलब नीचे वाला पोर्शन इधर आया इधर आया इधर आया और ऐसे नीचे वाला पोर्शन आगे जा रहा है तो चीजें घसीटती हुई आगे जा रही है रोल होती हुई आगे नहीं जा रही है समझ पा रहे हो क्या समझ रहे हो ना बच्चे लोग कुछ चीजें जब ऑब्जेक्ट नीचे आती है ना तो इनिशियली वो रोल होती है स्लान सरफेस पे पर आगे जाकर वो क्या होती है घसीटती है इसका उल्टा अगर कोई फ्लैट सरफेस है और उस फ्लैट सरफेस पे आपने किसी चीज को पुश किया तो अगर ये आपका फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर कोई रोलिंग सरफेस को आपने पुश किया तो जैसे आप पुश करते हो तो इसका जो लोअर मोस्ट पोजिशन है वो काफी समय तक स्ट्रेट रहता है यानी वही पोजिशन आगे शिफ्ट होता है बट अब क्या होता है थोड़ी देर के बाद ये बॉडी रोल होना स्टार्ट होती है तो ये पोजिशन इधर जाएगा फिर ऊपर जाएगा फिर इधर आएगा फिर नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा सॉरी साइड में आएगा फिर ऊपर जाएगा ऐसे मतलब इसके बाद बॉडी घूमने लगेगी तब तक वो बॉडी स्ट्रेट पोजिशन पे रहेगी उसके बाद वो घूमने लगेगी ऐसे अलग अलग पोजिशन पे ठीक है तो इनिशियली कुछ बॉडी स्लाइड ये होती है स्लाइड होती है एंड देन रोल होती है या तो रोल होती है देन स्लाइड होती है इस केस में हम लोग फ्रिक्शन को अवॉइड कर रहे हैं अब ये वाला केस देखो लीनियर एक्सलरेशन एंड स्पीड वाइल प्योर रोलिंग डाउन एंड इंक्लाइन प्लेन प्योर रोलिंग डाउन मतलब पूरा का पूरा रोल हो रहा है स्लाइड नहीं हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिरने दे रहे तो ऐसे केस में ये हमारा स्लान सरफेस हो गया ये हमारा स्लान सरफेस हो गया और ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा हुआ है यहां से इधर तक की जो हाइट है वो एच है ये हमारा हॉरिजॉन्टल रोड है इसके बाद भी आगे रोड होगा एंगल यहाँ पर हमने थीटा ले लिया तो थीटा के सामने वाली साइड होती है एल साइन थीटा हालांकि हमने ये लेंथ कौन सी ली है एस ली है ये वाली

पोटेंशियल की डाउन हाँ, हाँ, ही, ही, होकर तो हो आता है ना तो उसका पोटेंशियल एनर्जी पहले हाई होता है और काइनेटिक जीरो होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ पर सिर पे चढ़ाया है तो जब आपने इतनी हाइट पे ऑब्जेक्ट को लेकर गए तो उसके पास क्या है एम जी एच है मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट यहां से जैसे उसको छोड़ देते हो ये रोल डाउन होकर नीचे आ रहा है तो यही काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है रोलिंग काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि रोल होकर नीचे आ रहा है तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इन टू काइनेटिक एनर्जी वो भी कौन सी रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ओके तो ये केस आपको अभी देखने मिलेगा फिगर 1.18 शो अ रिजिड ऑब्जेक्ट जिसका मास m है छोटा m रेडियस r है उस बॉब का मतलब जो बॉडी लिया उसका

पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है रोलिंग कैनेडिक एनर्जी में स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट पोजिशन मतलब ऊपर का टॉप से लेट बी द स्पीड ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ऑब्जेक्ट कम्स डाउन थ्रू वर्टिकल डिस्टेंस जब पार्टिकल ऊपर था ना स्लान सरफेस पे ये रहा स्लान सरफेस पार्टिकल ऊपर था एट अ डिस्टेंस ऑफ हाइट एच तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू जीरो थी बट जब वो यहां पहुंचेगा ना तो इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी कुछ तो होगी V velocity. बराबर होगी होगी नहीं हो आगे Let v be the speed of center of mass. मतलब ये center की speed v, कहां पर When it comes down through a vertical distance h जब वो खत्म करके horizontal तक पहुंचेगा यानी यहां से वो इधर पहुंचेगा इस position पे उसकी वेलोसिटी v है मतलब हमने v बराबर लिया है फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा E इक्वल टू हाफ एम वी square प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इसका मतलब है वो हाफ एम वी स्क्वायर 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 के बाय आर ये पीछे वाला फॉर्मूला है बट ये फॉर्मूला किससे कंपेयर होगा एमजीएच से पोटेंशियल एनर्जी से तो देखो एम जी एच का फॉर्मूला कंपेयर किया है एम जी एच इक्वल टू आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है डायरेक्टली आप इस इक्वेशन को कट करके इसको ई e को कट करके इतना लिख सकते हो उन्होंने यहाँ पर ही बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी ना तो डायरेक्टली आप यहां पर ये फॉर्मूला ले सकते हो v v. Okay? आपने ये ले लिया. अच्छा इसके बाद आपको क्या चाहिए Velocity निकालनी है v. तो पूरे को डिनोमिनेटर में, में चला गया तो देखो mgh के denominator के डिनोमिनेटर में one plus k square by r square आया mm एम गेटिंग कैंसल इसमें एक बड़ा m है एक छोटा m है क्या cancel होगा हाँ होगा क्योंकि दोनों एम उस बॉडी का मास इंडिकेट कर रहे हैं तो हमारे हमारे फॉर्मूले में हमें क्या करना है यहां पर जो छोटा एम दिया ना उसको कैपिटल एम ले लो या तो जब हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे ना तो इधर जो एम है ना उसको छोटा कर दो दोनों में से कोई भी एक आप कर सकते हो छोटे एम को बड़ा कर दो या बड़े एम को छोटा कर दो जिससे कैंसलेशन करना आसान हो जाए चलो नेक्स्ट हमने यहाँ पर v का फॉर्मूला निकालने के लिए एम एम गेटिंग कैंसिल कर दिया तो इधर क्या बचेगा जीएच टू उधर चला गया तो टू जी एच टू जीएच अपॉन वन प्लस के आर टू वी स्क्वायर हुआ अंडर रूट किया तो स्क्र बाय आर रूट में ये वेलोसिटी हो गई ओके ये मुझे वेलोसिटी मिली एट लोअर पोजिशन अब आगे क्या मेरे पास एस का कोई फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ एस ये एस है ये एच है ये थीटा है तो अगर मैं साइन थीटा लेता हूं साइन थीटा तो मुझे क्या मिलेगा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनिय मतलब एच इक्वल टू क्या हो सकता है एच इक्वल टू एस साइन थीटा हो सकता है बराबर तो जहां पर एच है उसको हटाकर आप क्या डाल सकते हो एच साइन थीटा आप डाल सकते हो तो आगे जाकर आप क्या करने वाले हो एसेलरेशन निकालने वाले हो तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा कैसे करोगे ड्यूरिंग दिस इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो मतलब जब रोल डाउन होकर बॉडी नीचे आ रही थी, तो उसकी जो इनिशियल इसका जीरो मतलब बॉडी में एक्सेलरेशन जरूर हुआ है और वो भी कौन सा लीनियर एक्सेलरेशन तो अभी आपके पास क्या फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस टू ए एस ये फॉर्मूला पता है आपको yes. हाँ तो u जीरो होने पर v स्क्वायर क्या हो गया v स्क्वायर इक्वल टू टू एस हो गया ओके okay? और s क्या है डिस्प्लेसमेंट जो आपका डिस्टेंस मूव हुआ है वो तो आप कहीं ना कहीं v स्क्वायर का फॉर्मूला इसके साथ कंपेयर कर सकते हो v स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन अपॉन अगर आप टू एस ले सकते हो तो ये a हो जाएगा यानी एक्सेलेशन निकालना आपका और आसान हो जाएगा अपॉन टू एस ले तो आपको यह मिल जाएगा ठीक है मतलब कौन 2gh k r ये आपका हो गया ओके और आपको यहाँ पर क्या करना है वन अपॉन टू एस लेना है इक्वल टू ए हो गया टू टू गेटिंग कैंसल एच की जगह पे आप क्या पुट करने वाले हो एच इक्वल टू एस साइन थीटा पुट करने वाले हो तो एच यहां से हट गया आपका उसकी जगह पे एस साइन थीटा आया एस एस कैंसल हो गया तो अब ये क्या बचा साइन थीटा तो आपके एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में कौन बच रहा है जी जी साइन थीटा बच रहा है ये रहा जी और ये रहा साइन थीटा इतना बच रहा है डिवाइड में कौन बच रहा है वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इतना बच रहा है तो ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया ए इक्वल टू थीटा अपॉन वन

और जैसे वो टेबल बनता है आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बॉडी रोल डाउन होकर नीचे पहुंचेगी तो कौन सी पहले पहुंचने वाली है ठीक है वो आपको पता चल जाएगा चलो यहां पर एंड करते हैं नेक्स्ट को बहुत छोटा सा पार्ट बचा है वो फिनिश करेंगे और इसके जो सोल्ड सम है वो हम खत्म कर देंगे अनसोल्ड सम भी हम खत्म कर देंगे तो आप अपने नेक्स्ट क्लास में लॉक टेबल नोटबुक पेन रेडी रखना और एग्जाम्स का आपको टाइमिंग पता है कि आपको यूनिट टेस्ट सॉरी अपना फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर स्टडी करना है मंडे या ट्यूसडे को उसका टेस्ट होगा और ये चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन आप रेडी रखना कौन से क्वेश्चन uh, जो भी मैंने आपको होमवर्क अब तक दिया है वो आज का होमवर्क क्या है वो भी ले लो आज हमने दो डेरिवेशन किए एक तो एंगुलर मोमेंटम वाला डेरिवेशन है और एक टॉर्क वाला डेरिवेशन है ये दो डेरिवेशन हमने किए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ठीक ठाक है इतना बड़ा नहीं कौन सा आपको डिफिकल्ट लगा दोनों में से जो भी आपको डिफिकल्ट लगा वो एक डेरिवेशन आपको लिखना है या तो एंगुलर मोमेंटम वाला लिखो या तो फिर टॉर्क वाला लिखो ठीक है दोनों में से कोई भी एक डेरिवेशन अपने नोटबुक में लिखना है अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा दोनों में डायग्राम होना चाहिए ये खत्म करो होमवर्क नेक्स्ट क्लास में मैं होमवर्क भी चेक करूंगा साथ में हम लोग टेस्ट लेने वाले या सम्स करने वाले तो सम्स so, के लिए नोटबुक रेडी रखना बोल बेटा बोल सर एंगुलर मोमेंटम के डेरिवेशन के लिए वही डायग्राम तो काइनेटिक uh, एनर्जी के लिए यूज किया हां रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी वाला फिगर लेना है आपको एंगुलर मोमेंटम का डेरिवेशन के लिए ओके okay, सर चलो बाय बाय Bye ta, bye.